दिव्या भारती भले ही ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आई हों, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी। दिव्या भारती ने अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिनेत्री का सलमान खान की फिल्म के साथ कुछ खास कनेक्शन था? चलिए हम बताते हैं कि दोनों के बीच क्या कनेक्शन था। सात समंदर पार वाला गाना तो आपको याद ही होगा, इस गाने की धुन पर आज भी लोग थिरकते हैं। ये गाना दिव्या भारती की फिल्म विश्वात्मा का था, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया था। किक के एक सीक्वेंस में सलमान डांस कर रहे थे और इसी गाने पर लिप सिंक कर रहे थे। इस गाने को किक में लिया जा सके, इसलिए उनके पति साजिद ने 1.5 करोड़ रुपए में इसके राइट्स खरीदे थे। सलमान की फिल्म किक 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन में तो सलमान की इस फिल्म ने 350 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वहीं दिव्या भारती की बात करें तो दिव्या भारती को फिल्मों में काम करने का शौक नहीं था, बल्कि वह पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए फिल्मों में काम करने लगी थी। इस बात का खुलासा खुद दिव्या के माता पिता ने किया था। उन्होंने बताया था कि बॉक्सर गरीब बच्चों को बाजार ले जाया करती थी और उनके लिए कई सामान खरीदती थी। वो अपने पास पैसे कभी भी नहीं रखती थी, इसलिए वो दुकानदार से साजिश से पैसे लेने के लिए कहा करती थी। इस इंटरव्यू के दौरान दिव्या के माता पिता भारती ने यह भी बताया था कि वो कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी और ना ही उन्हें अमीर बनने की इच्छा थी। दिव्या को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं रहा, जिसके कारण वह पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए ही फिल्मों में काम करना शुरू किया था। साल 1993 में अभिनेत्री की बिल्डिंग से गिरकर जान चली गई थी। दिव्या के जाने के बाद इंडस्ट्री में मातम छा गया था।